दिवाकर वैश। रोबोटिक साइंस में नई ऊंचाइयां छूने वाले सबसे कम उम्र के पहले भारतीय हैं। 22 साल के दिवाकर नई दिल्ली से हैं। इतनी कम उम्र में ये न केवल एसेट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के हेड हैं, बल्कि भारत के कई टॉप कॉलेजों जैसे NIT, BITS, BIT, IIT, VIT में आदि गेस्ट लेक्चरर भी हैं। केवल 17 साल की उम्र में इन्होंने अपना पहला डांसिंग रोबोट प्रोग्राम किया, जो कि डांस के अलावा पुशअप्स, स्प्लिट लेग्स जैसे मूवमेंट्स भी कर सकता है। 2014 में इन्होंने भारत का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट मानव बनाया। 2 फीट की ऊंचाई और महज 2 किलो के वजन वाले इस रोबोट को 3D प्रिंटर की सहायता से बनाया गया। ये देख और सुन सकता है और 21 डिग्री के एंगल पर आसानी से मुड़ सकता है। 2011 में इन्होंने भारत का पहला दिमाग द्वारा संचालित रोबोट बनाया। इस सफलता को दुनिया भर ने सराहा। 2010 में दिवाकर ने रोबोट्स की एक ऐसी फुटबॉल टीम तैयार की जिसे खेलने के लिए किसी मानव निर्देश की जरूरत नहीं है। दिवाकर की सबसे लेटेस्ट और खास इन्वेंशन है ब्रेन कंट्रोल्ड व्हीलचेयर। ये दुनिया की पहली ऐसी व्हीलचेयर है जिसे चलाने के लिए ना तो किसी बटन की जरूरत है और ना ही किसी जॉयस्टिक की। जरूरत है तो सिर्फ आपके दिमाग से सोचे हुए निर्देश की। ये LIS मतलब लॉक्ड इन सिंड्रोम जैसे पैरालिसिस मरीजों के लिए वरदान है। वे दिमाग के जरिए इसे अपनी मर्जी से संचालित कर सकते हैं। हर मिनट हमारे दिमाग से स्कैल्प तक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पास होते हैं। इन रिएक्शन को EEG सेंसर के जरिए और ज्यादा बढ़ाया जाता है और फिर फिल्टर किया जाता है। इस सिग्नल को ऐसे सिस्टम पर भेजा जाता है जहां इस सिग्नल का अर्थ समझकर व्हीलचेयर मूव करती है। इसमें डिस्टेंस, टेम्परेचर, टाइम और वाइब्रेशन को रीड करने के लिए सेंसर लगाए गए हैं, जो मरीज को दीवार पर टकराने, सीढ़ियों पर गिरने से बचा सकती है। दिवाकर के मुताबिक ये व्हीलचेयर पूरी तरह से सेफ है और मेड इन इंडिया होने के कारण इसकी कीमत केवल 1.5 से 2 लाख तक है। आशा है कि भविष्य में भी उनके ऐसे यूजफुल इन्वेंशन देखने को मिलेंगे।